हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे जो वेरियस इकोनॉमिक कर्व्स रहते हैं, जैसे कि आपके कुज़्नुत्ज़ कर्व, आपका लॉरेंस कर्व, लैफर कर्व, फिलिप्स कर्व, एंजल कर्व, ठीक है। ये किन वेरिएबल्स के आपस में रिलेशनशिप को शो करते हैं, ठीक है। माय नेम इज़ प्रियंका लाल एंड वेलकम टू जीएस क्रक्स। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ऐसे यहाँ पे कर्व जो यहाँ पे इनइक्वालिटी को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे पहला कर्व है जिसको हम बोलते हैं आपका लॉरेंस कर्व। तो लॉरेंस कर्व जो है यहाँ पे दिखाता है इनइक्वालिटी को, कि यहाँ पे जो आपकी पॉपुलेशन है, कितनी परसेंटेज यहाँ पे जो आपकी पॉपुलेशन है वो यहाँ पे किस प्रोपोर्शन में आपका इनकम रिसीव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम मोस्ट की बात होती है, मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो बॉटम मोस्ट आपकी जो 20% की पॉपुलेशन है, ये यहाँ पे कितना रिसीव कर रही है इनकम, यहाँ पे 20% इनकम जो कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है उसको रिसीव कर रही है। अगर ये आइडियल यहाँ पे सिचुएशन रहती है कि यहाँ पे आपकी जो 20% पॉपुलेशन है वो यहाँ पे 20% रिसीव करे पूरी जो इनकम है, ठीक है, तो ये आपका क्या बनाता है, ये आपका स्ट्रेट लाइन बनाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या आइडियली हो सकता है, ऐसा आइडियली नहीं हो सकता है, हमेशा इनइक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो जो 20% पॉपुलेशन है वो यहाँ पे 20 ना रिसीव करके कितनी यहाँ पे रिसीव कर रहा होगा, अबाउट यहाँ पे कुछ कम परसेंटेज जो है, मान लो कि यहाँ पे 10% वो यहाँ पे इनकम पोर्शन जो है कंट्री का रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 40% यहाँ पे पॉपुलेशन है वो कितनी यहाँ पे इनकम रिसीव कर रही है, 20% रिसीव कर रही है। तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियल ना होके यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो अपने प्रोपोर्शन में कम ही इनकम जो है रिसीव करती है, ठीक है। तो ये लॉरेंस कर्व जो है ये यहाँ पे इनइक्वालिटी दिखाता है इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे इनकम रिसीव्ड बाय द पॉपुलेशन। अब यहाँ पे आपने स्ट्रेट लाइन देखी थी, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन किसको दर्शाती है, ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है गिनी कोफिशिएंट को दर्शाती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इनकम को तो क्या होगा, वहाँ पे वेलफेयर होगा। लेकिन यहाँ पे गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, ये इनइक्वालिटी को दिखाता है। लेकिन एक कोफिशिएंट होता है, जैसे कि अगर ये यहाँ पे पूरा 1 तक होता है, 100% तक होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशिएंट शोज द ग्रेटर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू होनी चाहिए वो यहाँ पे 0 तक यहाँ पे अगर होगी तो मतलब आपकी इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पे सबसे कम होगी, और अगर यही वैल्यू जो है 1 होगी, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी इनइक्वालिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये जो आइडियल वाली जो लाइन रहती है, ठीक है, इसी पे आपका जो गिनी कोफिशिएंट वाला है वो यहाँ पे फंक्शन करता है, या फिर आप कह सकते हो कि गिनी कोफिशिएंट वाली आपका कर्व है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कुज़्नेट्स कर्व। तो कुज़्नेट्स कर्व जो है आपका दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, एक तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा आपका कि इनइक्वालिटी किस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज होके रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे कहना होता है कि कंट्री यहाँ पे जब इकोनॉमिक ग्रोथ किसी कंट्री की यहाँ पे बढ़ती है तो शुरू में क्या होता है, कुछ लोगों के पास यहाँ पे पैसा आना शुरू होता है, लेकिन जो बॉटम मोस्ट होते हैं उनके पास यहाँ पे पैसे नहीं होते। तो इनइक्वालिटी जो है यहाँ पे वाइडन होती जाती है अप टू अ सर्टेन पॉइंट। अब क्या होता है, जब यहाँ पे सरकार के पास पैसा आने लगता है, वो यहाँ पे टैक्स कलेक्शन करते हैं, वो यहाँ पे फॉर्मुलेट करते हैं कुछ स्कीम्स को, तो समय के साथ क्या होता है कि इनइक्वालिटी यहाँ पे कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसका मेन यहाँ पे मतलब है एक्सप्लेन करना कि एक पॉइंट तक तो यहाँ पे आप ऐसा मत सोचिए कि इनकम बढ़ने से यहाँ पे इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ये यहाँ पे हर इकोनॉमी का यहाँ पे पार्ट रहता है। एक सर्टेन पॉइंट तक यहाँ पे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, लेकिन रिडिस्ट्रीब्यूशन फर्दर जो है टाइम के साथ यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होगा, तो इनइक्वालिटी भी जो है यहाँ पे कम होने लगेगी विद दी ग्रोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कौन से कर्व्स हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं फिलिप कर्व। फिलिप कर्व जो है ये आपका बताता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इसका कहना है कि अगर यहाँ पे कंट्री में इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पे बढ़ता है तो उसी के साथ यहाँ पे जो आपका यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होता है। वो किस तरीके से यहाँ पे कम होता है, देखो इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ रहा है मतलब आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है। प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ने के लिए यहाँ पे या तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है,
उसकी प्राइस इस वजह से बढ़ी है कि वो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है, मतलब आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, या फिर उसका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकता है, मतलब कि उसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा हो रही है और आपको जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको यहाँ पे ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन की वजह से कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होने लगेगी, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की वजह से क्या होगा कि हायरिंग जो है यहाँ पे ये लोग ज़्यादा करेंगे। तो इसका यहाँ पे एक इन्वर्स रिलेशनशिप बनता है कि अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे कम होगा, ठीक है। तो ये कौन बताता है, ये आपका बताता है फिलिप कर्व। अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरे इकोनॉमिक कर्व्स क्या रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे लाफर कर्व। लाफर कर्व आपका क्या कहना चाहता है, लाफर कर्व कहता है कि अगर यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो यहाँ पे बढ़ा देती है तो क्या होगा, यहाँ पे जो उनका टैक्स बेस रहता है वो यहाँ पे कम हो जाता है। मतलब यहाँ पे जब आप टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करने लगते हो तो लोग क्या करते हैं, टैक्स से बचते हैं देने के लिए, ठीक है। तो एक पॉइंट तक क्या होता है कि आपका टैक्स रेवेन्यू ग्रो तो करेगा लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे ये कम होने लगेगा, किस वजह से, क्योंकि लोग यहाँ पे बचने लगेंगे टैक्स देने से, ठीक है। तो आप एक लिमिट तक ही टैक्स का रेट जो है यहाँ पे बढ़ा सकते हो, लेकिन एक लिमिट पॉइंट के बाद क्या होगा, अगर आपने इसके बाद आपने टैक्स का रेट अगर आपने बढ़ाया क्या होगा, लोग जो हैं यहाँ पे कम टैक्स पे करने लगेंगे और फिर आपका टैक्स रेवेन्यू क्या होगा, यहाँ पे गिरने लगेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्टिमल पॉइंट तक आपका टैक्स जो रेट है वो होना चाहिए, उसके बाद जो है टैक्स रेवेन्यू सरकार का गिरने लगता है। तो ये जो एक्सप्लेन करता है टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में जो आपका रिलेशनशिप है वो आपको दिखाता है लाफर कर्व। अब हम बात करते हैं एंजल कर्व की। तो देखो एंजल कर्व जो है ये यहाँ पे आपका कंजम्पशन के बेसिस पे होता है कि यहाँ पे अलग अलग गुड्स का अलग अलग कंजम्पशन होता है। जैसे कि हम यहाँ पे नॉर्मल गुड्स कंजम्पशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की इनकम रहेगी उसी तरीके से वो यहाँ पे स्पेंड करेंगे, ठीक है, ये नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप इंफीरियर गुड्स की बात करते हो तो इंफीरियर गुड्स जो है यहाँ पे बैकवर्ड तरीके से चलता है। किस तरीके से चलता है, मतलब कि यहाँ पे अगर लोगों की इनकम यहाँ पे ज़्यादा है तो वो यहाँ पे इंफीरियर गुड जो है यहाँ पे सबसे कम खरीदेंगे। वो यहाँ पे क्या खरीदेंगे, वो अगर यहाँ पे उनकी इनकम ज़्यादा रहेगी तो वो क्या करेंगे, गुड भी जो है अच्छी क्वालिटी का परचेज करेंगे, ठीक है। तो इंफीरियर क्वालिटी का गुड यहाँ पे परचेज नहीं किया जाएगा बाय द हायर इनकम, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे इनकम आपका वेरी करती है उसी हिसाब से आपके जो गुड्स का कंजम्पशन है वो भी वेरी करता है। ये कौन दिखाता है, इनकम और आपके गुड्स का कंजम्पशन का रिलेशन कौन दिखाता है, आपका एंजल कर्व, ठीक है। अब हम अगर राहन कर्व की बात करते हैं तो राहन कर्व आपका कहता है एक रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। यहाँ पे ये कहते हैं कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट जो यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है अगर वो इसको बढ़ाए तो क्या होता है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आपकी बूस्टअप होती है। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ सरकार ही यहाँ पे खर्च करती रहे तो ये एक पॉइंट आता है, उसके बाद यहाँ पे सरकार कितना भी यहाँ पे खर्च कर ले अपनी परसेंटेज ऑफ जीडीपी का, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो रहती है वो यहाँ पे थोड़ा सा सैचुरेट होने लगती है। और सैचुरेशन के बाद यहाँ पे क्योंकि अब इन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट कर चुके हैं तो आपका जो रेट है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का वो हो सकता है कि कम होने लगे, ठीक है। तो रान कर्व आपका बताता है कि यहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट तक ही पब्लिक एक्सपेंडिचर से आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, उसके बाद जो है आपका जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे कम होने लगती है। जे कर्व की अगर हम बात करते हैं तो जे कर्व आपका क्या कहता है, जे कर्व कहता है ये आपको रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन कंट्री का ट्रेड डेफिसिट एंड उसका जो आपकी करेंसी की जो आपकी वैल्यू है वो किस प्रकार से यहाँ पे रिलेटेड है। जैसे कि अगर यहाँ पे रुपी की वैल्यू आप क्या करो, डेप्रिशिएट करो, ठीक है, तो क्या होता है कि आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे एक एक पॉइंट पे आपके गिरने लगेंगे, ठीक है। एक पॉइंट पे गिरने के बाद यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो चुका है रुपी का, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा रुपी मिलने शुरू करेंगे जब आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे। तो एक्सपोर्ट्स आपके क्या होते हैं, बूस्टअप होते हैं। तो थोड़े टाइम बाद यहाँ पे
एक पॉइंट लो, एक लो पॉइंट आएगा, उसके बाद आपके क्या होंगे, आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं डेप्रिसिएशन की वजह से मूव अप करना शुरू होंगे। तो यही जो रिलेशनशिप है ये आपका जेकब बताता है। सो दिस वॉज इट एंड थैंक यू सो मच।